तो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो चलो आज फिर से केक बनाऊंगा, लेकिन आज स्पेशल केक रहेगा लेडीज़ के लिए। मतलब आज वुमेन्स डे है, तो उसी के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे। और ये वाला केक ना, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 1 kg पे ही बनाऊंगा। और पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी आज के दिन ज़्यादा काम रहता है, लेकिन आज थोड़ा वो शिवरात्रि का भी है, महाशिवरात्रि वाला डेट भी है, तो ऐसा फास्टिंग में ज़्यादा लोग रहता है, इस वजह से थोड़ा कम भी गया। ज़्यादा और कम का भी नहीं बोल सकते, अरे मीडियम में मतलब ठीक ठाक का था आज केक का। तो इस वजह से अभी मैं टाइम निकाल करके इसको बनाया था, और प्लस वॉइस ओवर भी करके, और फिर जल्दी जल्दी करके अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज का डेट है, तो आज ही अपलोड करें तो आप लोग देख सकते हैं, और कल अगर करें तो फिर दिक्कत होता नहीं, लेकिन फिर भी मतलब आज का डेट है और आज करें तो ज़्यादा सही रहता है इस वजह से। तो आप लोगों ने देखा, 1 kg का मैं बटर स्कॉच फ्लेवर पर बना रहा था ये वाला केक, और इसका मतलब जो भी फेस वगैरह कुछ भी इसमें ड्राॅइंग करना था, तो पहले मैं टूथपिक से इसको ड्राॅइंग किया हूँ, उसके ऊपर से मतलब ट्रफल से इसका मैं फिर से री ड्राॅइंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि टूथपिक से करने से ख़राब नहीं होगा। अगर टूथपिक से नहीं करोगे ना, और डायरेक्ट ट्रफल से, तो फिर प्रॉब्लम होगा, जैसे बाई चांस कभी मिस्टेक हो गया कुछ, तो फिर पूरा केक खराब करना पड़ेगा। लेकिन टूथपिक से अगर मिस्टेक होता था, मिटा करके फिर से बना सकते हो। तो ये वाला केक पूरा मतलब क्रीम से है, लेकिन सिर्फ जो आंख इसका है वो और लिप्स का, ये दो मतलब फोंडेंट से बना करके ऐड किए हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जेल से ही बनाने वाला था, बट उसमें थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोचा चलो वहाँ पे फोंडेंट का डाल देता हूँ, तो फिर वो अच्छा दिखने लगेगा। और सच में फिर वो डाला तो अच्छा दिख रहा था, ज़्यादा सही मतलब। और फिर बीच में हमें साइड से फ्लावर्स भी रखना, लेकिन अलग स्टाइल का फ्लावर, जो नॉर्मल रोज रहता है उससे नहीं, छोटा वाला जो नोजल, मतलब R11 का जो नोजल रहता है ना, उसी का सेम साइज का छोटा नोजल रहता है, इसका नंबर इस पे नहीं था, तो उसी से मतलब बना रहा हूँ, देख सकते हो, एक साइड से कट करके फ्लावर्स, और थोड़ा नहीं मतलब बहुत सारा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाया, देख सकते हो कितना सारा बना करके रखा हूँ, ठीक है। तो साइड से हमें मतलब एक एक सेट कर देना, और अगर आपके पास जैसे मतलब होता है ना कि फ्लावर बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, तो ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो जो 1 mm का नोजल रहता ना, उससे भी डिज़ाइन करके और ऐसा ऊपर साइड पर फ्लावर्स बना करके और ऐसा केक बना सकते हो, बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो जो भी फ्लावर बनाया था उसको एक एक करके सेट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो, मतलब अलग अलग कलर का इसमें बना हुआ था, मल्टी कलर का था, तो सेट भी करे तो मल्टी कलर के स्टाइल पे सेट करना, ऐसा नहीं कि एक कलर एक ही जगह पे डाल देना, अलग अलग कलर पे करके इसको सेट करना। और एक मिस्टेक मेरे से हुआ था, साइड से हमें कुछ डिजाइन कर लेना था, लेकिन मैं नहीं किया, तो मेरा फ्लावर में टच हो गया, बाद में मैं देखा तो साइड का फिर जेल डाल दिया, वैसे नहीं तो सूख गया था, वैसे भी क्रीम तो कुछ कर नहीं सकते थे, इस वजह से न्यूट्रल जेल डाल करके और फिनिशिंग कर दिया। बाकी ऊपर का जो डिजाइन है वो तो आप लोग देख ही रहे हो। और जो फ्लावर बनाया था ना, उसके बीच बीच में जो ट्रफल रहता है ना चॉकलेट का, उसी से मतलब इसको मैं डॉट डॉट लगा दिया हूँ, तो देखने में थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगा ये वाला फ्लावर जो मैं बनाया था। और बाकी साइड से फिर पूरा ग्रीन का पत्ता जैसे ऐसा लगा दिया, तो पूरा क्या केक भरा भरा सा दिख रहा है। 1 kg का ही केक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो हो गया मतलब लगभग रेडी ये वाला केक। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगा या नहीं, बट जो भी जैसा भी लगा होगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और प्लस वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, तो एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलो बाय।